बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 आई ऑस्ट्रेलिया वाली टीम बनाई। जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है, लेकिन पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 का ऐलान अभी से कर दिया गया है। हम सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। अब सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, ये पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर होने वाला है। बांग्लादेश के खिलाफ पीसीबी ने कर दिया पाकिस्तान की बिल्कुल नई प्लेइंग 11 का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है, जिसमें चार तेज गेंदबाजों को रखा गया है, स्पिनर्स एक भी नहीं है और पूरी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया वाली टीम दिख रही है। नंबर चार पे बाबर आजम खेलने वाले। जी हाँ, बॉबी बादशाह नंबर चार पर हमेशा की तरह खेलेंगे। दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पहले ही पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जहां शान मसूद इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम के कमान संभालते हुए नजर आएंगे। और नंबर चार पर आएंगे आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट बाबर आजम। अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर है, नौ पे है नसीम शाह। जी हाँ, नया चॉकलेट बॉय के नाम से मशहूर। तीन पर कप्तान शान मसूद का खेलना तय है, चौथे नंबर पर बाबर आजम होंगे, जबकि पांचवें नंबर पर साउथ शकील को खेलने का मौका मिलेगा। अब चार फास्ट बॉलर गेंदबाज मैदान में उतरेंगे। नसीम शाह है और उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आपने हाइलाइट्स में देख लिया है, चंद सेकंड के बाद हम मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसमें चार फास्ट बॉलर खिलाए हैं और कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं खिलाया पाकिस्तान ने। एक ही बरार अहमद पाकिस्तान के पास था स्पेशलिस्ट स्पिनर, उसको भी ड्रॉप कर दिया है और पाकिस्तान ने सात बैट्समैन खिलाए हैं और सलमान अली आगा को बतौर ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया है, जो कि वक्त पड़ने पर स्पिन बॉलिंग भी करा लेगा। और बहुत ज्यादा इम्कान था कि मोहम्मद हुरैरा को इस पहले टेस्ट में खिलाया जाएगा, लेकिन उसको चांस नहीं दिया गया। उसकी जगह पर सैम अयूब को पहला टेस्ट खिलाया जा रहा है और मोहम्मद अली को भी इस टेस्ट में डेब्यू कराया जा रहा है। आइए मजीद जानते हैं कि इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या रद्द अमल है। चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो की एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। चलो मुकम्मल वीडियो की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 आई ऑस्ट्रेलिया वाली टीम बनाई। जी हाँ, बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैच की सीरीज होने वाली है, लेकिन पहले टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 का ऐलान अभी से कर दिया गया है, जिसमें चार तेज गेंदबाजों को रखा गया है, स्पिनर्स एक भी नहीं है और पूरी तरीके से ये ऑस्ट्रेलिया वाली टीम दिख रही है। मैं बात कर रहा हूं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच होने वाले पहले टेस्ट मैच की, जिसके लिए पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा मुकाबले से पहले कर दी है। अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब, शान मसूद, बाबर आजम, साउथ शकील, मोहम्मद रिजवान जो विकेट कीपर है, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली को चुना गया। यानी कि तेज गेंदबाजों की अगर बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद अली इसमें तेज गेंदबाज हैं, जबकि स्पेशलिस्ट स्पिनर इस टीम में कोई भी नहीं है, जबकि सलमान अली आगा और साउथ शकील जो है वो स्पिन की थोड़ी बहुत बागडोर संभाल सकते हैं। इसका हम सभी को था इंतजार, वो घड़ी आ गई। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है। अब सैम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, ये पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर होने वाला है। नंबर तीन पे जो है शान मसूद कप्तान साहब खेलेंगे। नंबर चार पे बाबर आजम खेलने वाले। जी हाँ, बॉबी बादशाह नंबर चार पर हमेशा की तरह खेलेंगे। नंबर पांच पे नए नवेले वाइस कैप्टन यानी कि सऊद शकील को जगह मिली है। नंबर छह पे सरफराज अहमद नहीं बल्कि मोहम्मद रिजवान साहब खेलने वाले हैं। नंबर सात पे सलमान अली आगा है। नंबर आठ पे शाहीन अफरीदी। नंबर नौ पे है नसीम शाह, जी हाँ, नया चॉकलेट बॉय के नाम से मशहूर। नंबर दस पे खुर्रम शहजाद और नंबर ग्यारह पर मीर हमजा को मौका नहीं मिला है। ग्रीन पिच मीर हमजा डिजर्विंग था खेलना, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मोहम्मद अली को मौका मिला है और मैं यहां पे थोड़ा सा हैरान हूं। क्यों? वो इसलिए क्योंकि मीर हमजा जिस तरीके के गेंदबाज हैं, उनके लिए ग्रीन पिच, अगर पिच से थोड़ी भी मदद मिलती है तो मीर हमजा काफी ज्यादा लीथल हो जाते हैं। ऐसे में जब रावलपिंडी में ग्रीन टॉप विकेट बना है, तो यहां पे मीर हमजा का खेलना लाजमी था,
लेकिन मौका नहीं मिला है। बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान के खतरनाक प्लेइंग 11 हुई घोषित। बांग्लादेश के खिलाफ पीसीबी ने कर दिया पाकिस्तान की बिल्कुल नई प्लेइंग 11 का ऐलान। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत अब से कुछ ही घंटों के भीतर होने वाली है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मुकाबला बुधवार 21 अगस्त से खेला जाएगा। हालांकि इस दो टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए पहले ही पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जहां शान मसूद इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस पहले टेस्ट मुकाबले में पाकिस्तान की टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरेगी। आपको बता दें कि अब्दुल्ला सफेक और मोहम्मद हुरेरा पाकिस्तान की ओर से इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर कप्तान शान मसूद का खेलना तय है। चौथे नंबर पर बाबर आजम होंगे, जबकि पांचवें नंबर पर साउथ शकील को खेलने का मौका मिलेगा। छठे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में मोहम्मद रिजवान दिखाई देने वाले हैं। सातवें नंबर पर सलमान आगा, जबकि आठवें नंबर पर अबरार अहमद का खेलना बिल्कुल कंफर्म माना जा रहा है। नंबर 9 पर शाहीन अफरीदी, दसवें नंबर पर नसीम शाह और नंबर 11 के लिए मीर हमजा को पाकिस्तान टीम के प्लेइंग 11 में मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से हो सकती है बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11। लेंजी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहले टेस्ट मुकाबले के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है। और सबसे पहले हम आपको प्लेइंग 11 के बारे में बताते चलें कि भैया कौन सी प्लेइंग 11 है पाकिस्तान की जो पहले टेस्ट मुकाबले के लिए खेलती हुई नजर आएगी। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग बल्लेबाज होंगे साइम अयूब और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक, और नंबर 3 पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, और नंबर 4 पर आएंगे आप सबके फेवरेट हमारे फेवरेट बाबर आजम, और नंबर 5 पर आप सभी को पता है कि भैया पाकिस्तान के वॉइस कप्तान छोटा डॉन साउथ शकील आपको खेलते हुए नजर आएंगे, और नंबर 6 पर भैया आगा अली सलमान जो कि स्पिन बॉलिंग का करदार भी आपको निभाते हुए नजर आएंगे, और अगर हम बात करें तो भैया विकेट कीपर बल्लेबाज की तो विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान। ये 7 बल्लेबाज जो है वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब 4 फास्ट बॉलर गेंदबाज मैदान में उतरेंगे, नसीम शाह है और उसके साथ शाहीन शाह अफरीदी है और खुर्रम शहजाद जिनका भैया हालिया दिनों में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है उनका डेब्यू हुआ था, और मोहम्मद अली जिनकी भैया काफी समय के बाद वापसी हुई है। तो ये है भैया पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो पहले टेस्ट मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ आपको खेलती हुई नजर आएगी। दोस्तों ऐसे मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक दफा लाइक और शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज।